विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी, मंत्रिपरिषद के मेरे साथी जनरल वीके सिंह, हरदीप पुरी जी, किरण रिजिजू जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, विदेश सचिव, यूक्रेन, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया और हंगरी से जुड़े हमारे सभी राजदूत और उनके सहयोगी अधिकारी, इन्हीं देशों में स्थित भारतीय कम्युनिटी के मेंबर्स और वॉलंटियर ग्रुप्स, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, अभी मेरी जिन लोगों से बातचीत हुई उनका हौसला, उनका विश्वास ये दिखाता है कि जब इच्छा शक्ति हो, देश सेवा का भाव हो, तो कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं होता। मैं आप सभी की सराहना करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं जानता हूं कि मेरे सामने जो भी सज्जन बैठे हैं, हर एक के पास कहने के लिए बहुत कुछ है, आपका अपना अनुभव है, दिन रात आपने मेहनत की है, समय अभाव से सबको अपनी बात बताने का मौका नहीं मिला है, लेकिन यहां जो स्टूडेंट्स आए हैं उनसे हमने जो सुना है उसमें आप सबके पुरुषार्थ की, सेवा भाव की अनेक घटनाएं सुनने को मिली है, और इसलिए आपको आज भले ही कुछ कहने का शायद अवसर न मिला हो, लेकिन आप सभी संगठनों ने जो काम किया है मैं सबका धन्यवाद करता हूं। और विशेष तौर पर मैं अपने भारतीय स्टूडेंट्स का जिक्र करूंगा। घर से हजारों मील दूर विकट परिस्थितियों में हमारे विद्यार्थियों ने हौसले और जबरदस्त टीम भावना, इसका उत्तम उदाहरण दिया। ज्यादातर छात्र छात्रा अपने आसपास वालों को भी हिम्मत देते रहे। मैं ऐसे सभी स्टूडेंट्स की प्रशंसा करता हूं। हमारे युवा छात्र भाई नवीन के निधन पर भी मैं पुनः अपना दुख व्यक्त करता हूं। हम सभी की प्रार्थनाएं उनके परिवार और प्रियजनों के साथ है। साथियों, आज का यह कार्यक्रम ऑपरेशन गंगा को सफल बनाने में आपने जो योगदान दिया है, आपने जो पुरुषार्थ किया है, जो सेवा भाव को प्रकट किया है, उसे समर्पित है। आपके अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि यूक्रेन से करीब करीब 23,000 भारतीय नागरिक सुरक्षित स्वदेश लौट आए। जब दो देशों की सेनाएं एक दूसरे के सामने हो, हथियार और धमाकों से घिरी हुई परिस्थिति हो, तब इतना बड़ा इवैक्यूएशन, इतना बड़ा इवैक्यूएशन ऑपरेशन चलाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। इनमें विदेश विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारतीय वायुसेना से लेकर निजी एयरलाइंस, ग्राउंड पर एम्बेसी के अधिकारी से लेकर आप जैसे सभी वॉलेंटियर्स, सभी ने सक्रिय रूप से प्रोएक्टिवली अपना योगदान दिया। ऑपरेशन गंगा के दौरान मेरी कोशिश रहती थी कि हर दिन भारत सरकार के संबंधित व्यक्तियों के साथ लगातार मिलता रहूं, परिस्थितियों का आकलन करता रहूं। आप में से अनेक लोगों के साथ भी सीधे संपर्क में रहा हूं, इसलिए जानता हूं कि युद्ध क्षेत्र में आप किस तरह बहादुरी से डटे रहे। इन दौरान मैंने भी अनेक राष्ट्राध्यक्षों से बात की।
लगातार उनसे संपर्क में रहा। आज के इस कार्यक्रम में मैं उन सभी राष्ट्राध्यक्षों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं इस अवसर पर भारतीय कम्युनिटी, स्वयंसेवी समूहों और भारतीय कंपनियों को भी उनकी सहायता और निस्वार्थ सेवा के लिए विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं। भारत के नागरिकों को, छात्र छात्राओं के लिए आपने रहने का इंतजाम किया, खाने पीने का इंतजाम किया, इसके साथ आपने उनके मन की जो स्थिति थी उसको संभालने के लिए व्यक्तिगत तौर पर ध्यान दिया, उन्हें सुरक्षित रखा। आपके ये प्रयास बहुत बड़ी सेवा है और मैं आप सबकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। हम केवल भारतीय मूल के ही नहीं हैं, हम भारतीय मूल्यों के भी हैं। ये आपने अपने व्यवहार के द्वारा सिद्ध कर दिखाया है। साथियों, हम भारतीय किसी भी देश में रहें, लेकिन भारतीय मूल्यों को, मानवता के प्रति कर्तव्यों को कभी नहीं भूलते। ये हमारी परंपरा, उस परंपरा की प्रेरणा ही है कि युद्ध क्षेत्र से हमने भारतीयों के साथ ही 18 अन्य देशों के अनेकों नागरिकों को भी वहां से निकाला, उनकी भी सेवा की। इसमें बांग्लादेश, नेपाल और हमारे पड़ोसियों के साथ साथ अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन के भी नागरिक शामिल हैं। हमने यूक्रेन और उसके पड़ोसी देशों को 90 टन से अधिक मानवीय सहायता भी प्रदान की है। फ्रेंड्स, दूसरे देशों में संकट की स्थिति में भारतीयों की सुरक्षा और उनका हर हित सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कहीं पर भी भारतीय नागरिक काम कर रहा हो या पढ़ाई के लिए गया हो, उसको आज ये विश्वास है कि भारत की सरकार उसकी चिंता कर रही है। संकट की घड़ी में भारत कभी भी पासपोर्ट का रंग नहीं देखता है, सिर्फ और सिर्फ मानवता का ही अग्रिम पंक्ति में रखते हुए निर्णय करता है। और ये विश्वास एक दिन में नहीं बना है। चाहे 2014 में ट्यूनिशिया में वहां से भारतीयों को सुरक्षित निकालना हो, 2015 में यमन से ऑपरेशन राहत चलाकर युद्ध क्षेत्र से भारतीयों को वापस लाना हो, 2016 में साउथ सूडान में ऑपरेशन संकट मोचन चलाकर लोगों को निकालना हो, या फिर पिछले साल अफगानिस्तान में चलाया गया ऑपरेशन देवी शक्ति, हमारी कोशिश यही रही है कि कोई भी भारतीय नागरिक विदेश में अकेला या असहाय न महसूस करे। इस कोरोना महामारी के दौरान भी भारत दूसरे देशों से लाखों भारतीयों को वंदे भारत अभियान चलाकर वापस लाया, और हमारी ये संवेदना सिर्फ भारतीयों को लेकर ही रही, ऐसा नहीं है। हमने अन्य देशों में आपदा के समय भी उन देशों के नागरिकों की आगे बढ़कर मदद की है। कोरोना के दौरान ही हमने 150 से ज्यादा देशों को जरूरी दवाइयां भेजकर लाखों लोगों का जीवन बचाने में मदद की। चाहे नेपाल में भूकंप के बाद हमारा ऑपरेशन मैत्री था,
या मालदीव्स में पीने का पानी पहुंचाने के लिए ऑपरेशन नीर था, भारत ने पूरे सेवा भाव के साथ दूसरे देश के नागरिकों की भी संकट में सहायता की। साथियों, ऑपरेशन गंगा के दौरान हम सभी को जो अनुभव रहे वो हमें भविष्य में इस तरह के हालातों से और बेहतर तरीकों से निपटने में मदद करेंगे। मैं सभी भारतीय मिशन से ये भी कहूंगा कि आप जिस देश में हैं वहां रहने वाले सभी भारतीयों का अपडेटेड डेटा आपके पास जरूर रहना चाहिए। मुझे पता है कि आप इस दिशा में प्रयास करते रहे हैं, लेकिन इन प्रयासों में निरंतरता बहुत आवश्यक है। लगातार अपडेट करते रहना चाहिए। मेरा एक आग्रह विदेश में रह रहे समस्त भारतीय समुदाय से भी है। भारत इस साल आजादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव का पर्व मना रहा है। आप सभी आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़े आयोजनों में हिस्सा लें और ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम खुद भी आयोजित करें। ये भारत की आजादी के नायक नायिकाओं को आपकी तरफ से उत्तम श्रद्धांजलि होगी। साथियों, मुझे ज्यादातर देशों में रह रहे इंडियन डायस्पोरा से कई बार मिलने का मौका मिलता रहा है। आप किसी भी देश में हो, वहां जब भी किसी भारतीय को देखते हैं आपके मन में स्नेह जग जाता है, एक अलग ही आत्मीयता नजर आती है। आपका मन करता है कि उस भारतीय के लिए कुछ ना कुछ जरूर करें। और मैं ये भी जानता हूं कि आप भले ही किसी देश में रहे, अपने भारत के लिए भी ऐसा ही सोचते हैं। आपकी सदैव इच्छा रहती है कि भारत के लिए कुछ करें। मेरा आपसे ये भी आग्रह है कि दूसरे देश में रहते हुए भी आप भारत की छवि मजबूत करने में, भारत की विकास यात्रा में जितना संभव हो उतना प्रयास जरूर करें। हम भारतीयों की प्रकृति और हमारी लोकतांत्रिक प्रवृत्ति की दुनिया कायल है। भारत की मानवीय संवेदनाएं, भारत का मानवतावादी व्यवहार हमें पूरी दुनिया में एक अलग पहचान देता है। इस पहचान को हमें दिनों दिन मजबूत करना है। और मैं खास करके इन पांचों देशों के मिशंस को भी और वॉलेंटियर्स को भी आग्रह से कहना चाहता हूं कि इस क्राइसिस के समय हम लोगों ने कब क्या किया, कैसी चुनौतियां आई, किस प्रकार से साथ मिलकर के रास्ते निकाले, कैसे प्लानिंग किया, कैसे एग्जीक्यूट किया, उसका डॉक्यूमेंटेशन करिए। ये डॉक्यूमेंटेशन सारे वॉलेंटियर्स ने भी क्या काम किया उसका भी उसमें जोड़े। ये डॉक्यूमेंटेशन कभी न कभी हमें काम आता रहेगा। हमारे मिशन के पास इसका सारा संग्रह हो, फिर भारत सरकार को आप भेजें। मुझे विश्वास है कि आप लोगों के पुरुषार्थ की गाथा, उसमें जो इमोशनल बातें हैं उसको भी जोड़िए, उसमें मैनेजमेंट का जो पहलू है उसको भी जोड़िए, उसमें जो चुनौतियां हैं उसको भी विस्तार से लिखिए, ताकि इस प्रकार का बड़ा ऑपरेशन और इतने कम समय में और युद्ध के बीच में और प्राकृतिक स्थिति विपरीत अपने आप में एक केस स्टडी का विषय बन सकता है, जो आने वाली पीढ़ियों को कभी प्रेरणा दे सकता है। साथियों, आप सबने समय निकाला, देश से के लोगों के लिए इतना सारा काम किया ऑपरेशन गंगा के लिए। मैं फिर एक बार आप सबकी बहुत बहुत सराहना करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। होली का त्यौहार कल शुरू हो रहा है। मैं होली के इस त्यौहार के लिए आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।